चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भापा संदेश बनाएंगे। यह एक बंगाली स्वीट डिश है। यह बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो टेस्टी है ही। तो चलिए हम लोग भापा संदेश बनाना शुरू करते हैं। संदेश बनाने के लिए मैंने ये 1.5 लीटर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसका हम लोग छेना बनाएंगे। अब दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। 2 मिनट दूध को ठंडा होने देंगे, फिर इसमें नींबू का रस डाल के हम लोग इसका छेना बनाएंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग नींबू का रस दूध में डालकर इसका छेना बनाएंगे। जितना नींबू का रस रहेगा उतना ही इसमें हम लोग पानी मिक्स करेंगे, उसके बाद इससे छेना बनाएंगे। अब इस तरीके से हम लोग नींबू का रस धीरे धीरे डालकर और छेना बनाएंगे, इसे मिक्स कर देंगे। ये हमारा दूध फट चुका है। अब हम लोग इसे छान लेंगे। तरीके से एक छन्नी रखेंगे, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा डालेंगे, फिर हम लोग छेना को छान लेंगे। इस तरीके से हम लोग छान लेंगे। अब इसे हम लोग ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इस नींबू का जो खट्टापन है वो निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग ठंडे पानी से वॉश करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसमें का पानी निचोड़ लेंगे। अब हम लोग छेने को मिक्सी में डालकर स्मूथ कर लेंगे। अब हम लोग इसमें 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर डालेंगे। वन फोर्थ कप दूध डालेंगे और ये इलायची पाउडर। अब इसे फेंट लेते हैं। इधर मैंने गैस के ऊपर कुकर में पानी रख दिया है। अब इसे गर्म होने देते हैं। इसको ढक देते हैं ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए। इस तरीके से हम लोग एक कंटेनर में घी लगा देंगे। आप स्क्वायर कंटेनर ले सकते हैं, मेरे पास यही कंटेनर है इसलिए मैंने इसे ही यूज़ किया है। अब इस तरीके से हम लोग इसमें ये जो हम चीनी छेना सब मिक्स करके फेंटे थे उसको इस तरीके से कंटेनर में डाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको टैप करके इवेनली स्प्रेड कर लेंगे। अब हम लोग इस तरीके से केसर के रेशे डाल देंगे। ये केसर के कुछ रेशे मैंने दूध में भिगा के रखा था। अब इसके ऊपर से हम लोग डाल देंगे। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम लोग इस कंटेनर को इस स्टैंड के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। कुकर का सीटी हटा के हम लोग कुकर को बंद करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। आधे घंटे तक इसको पकने देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। हम लोग कुकर खोल के देखेंगे। ये देखिए हम लोगों का भापा संदेश रेडी है। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। इसे इस तरीके से निकाल के, ये अभी काफ़ी गर्म है, इसे अभी थोड़ा देर ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम लोग 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में डालेंगे। ये हमारा भापा संदेश नॉर्मल हो चुका है। अब हम लोग आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में डाल देंगे। ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे हम लोग हल्का सा गरम कर लेंगे क्योंकि हमारा जो घी है वो जम गया है ठंडे की वजह से। तो बस कुछ सेकंड के लिए हम लोग इसे गैस के ऊपर रखेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। बस बिल्कुल 3 से 4 सेकंड तक के लिए हम लोग इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐसे हल्का सा गरम कर लेंगे ताकि मेरा जो भापा संदेश है वो आसानी से निकल जाए। बस अब हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। हम लोग ये निकाल देंगे। अब इसे हम लोग एक दूसरी प्लेट में ऐसे करके पलट लेंगे। ये देखिए हमारा भापा संदेश रेडी हो चुका है।
अब हम लोग इसे कट करेंगे। मैंने थोड़ा सा खिसा हुआ बादाम रखा था, उससे मैंने इसे गार्निश कर दिया है। अब हमारा भापा संदेश रेडी है, अब हम लोग इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।